काउंटिंग से पहले कहां जा रही थी ईवीएम? बरेली में कूड़े की गाड़ी में कौन ले जा रहा था ईवीएम? ये तस्वीरें यूपी के बरेली से आई हैं। जिस गाड़ी में शहर का कूड़ा ढोया जाता है, आजकल उस गाड़ी में ईवीएम ढोई जा रही हैं। नगर निगम की गाड़ी में कुछ ईवीएम पकड़ी गई तो हाय तोबा मच गई। विपक्षी दलों के समर्थकों ने आरोप लगाया कि वोट की चोरी करने के लिए ईवीएम को कूड़े की गाड़ी से ले जाया जा रहा है, ताकि किसी को भनक तक ना लगे। मामला सामने आने के बाद बरेली में सपा समर्थकों ने जबरदस्त बवाल किया। वहीं चुनाव आयोग कह रहा है कि कूड़े की गाड़ी में सिर्फ खाली बक्से और स्टेशनरी जा रही थी, जिसमें ईवीएम तो थी ही नहीं। जानना चाहेंगे क्या मामला है कूड़े की गाड़ी? मामला देखिए ऐसा था, वो गलती कर दी आरओ ने, थोड़ी मिस्टेक कि भ्रमवश जो है वो कुछ इलेक्शन से संबंधित स्टेशनरी और खाली बॉक्स ला रही थी। अब वो कूड़े की गाड़ी में थी, इसलिए लोगों ने आपत्ति की। आपने देखा है, लोग आए, सबको सब संतुष्ट हो गए, देख लिए, सभी ने स्ट्रांग रूम देख लिया, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और सारी ईवीएम हमारी सुरक्षित है, इस बात पर कन्विंस होकर के लोग गए हैं। हम इसकी जांच करेंगे, कोई जिम्मेदार होगा कार्रवाई जरूर। चुनाव आयोग मामला शांत होने की दुहाई दे रहा है, लेकिन यूपी में अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे विपक्षी दलों में जबरदस्त बेचैनी बढ़ गई है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं बिहार की तर्ज पर यूपी में भी ईवीएम के जरिए खेला ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।